Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dream to English. In this video, I am going to talk about an interesting language technique called one word substitution. If you are preparing any competitive exam, this video will definitely help you in your preparation. So make sure do watch this video till the end. My name is Dr. Ratan Patel and I am an English grammar trainer. I help in improving English grammar. So let's learn one word substitution. In simple term, one word substitution means replacing a long sentence or a long phrase with a single word, and that single word conveys the same meaning. So I have 15 one word substitution for you. So let's learn these 15 one word substitution in this video. So here is first one. And this is reduction in tax or debt, कर या ऋण में कमी, जिसे हम बोलते हैं rebate. Next one is religious discourse, धार्मिक प्रवचन, जिसको हम बोलते हैं समन, उपदेश. Next one is reserved in speech, जो कम बोलता है, जिसे हम बोलते हैं reticent, मौन रहने वाला, मितभाषी, अल्पभाषी. Next one is responsible according to law, कानून के अनुसार जिम्मेदार, जिसे हम बोलते हैं liable, उत्तरदायी. Next one is to restore to the former position, पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित करने के लिए या पुनर्स्थापित करना, जिसे हम बोलते हैं rehabilitate, पुनर्वास. Next one is resulting in death or ending in disaster, मृत्यु में परिणाम या आपदा में समाप्त, जिसे हम बोलते हैं फेटल, घातक. नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग, किसी चीज के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध, जिसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य. नेक्स्ट वन इज द रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, मन की तर्क शक्ति, जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्ट, विचार शक्ति. नेक्स्ट वन इज रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली, मेहमानों का गर्म जोशी से स्वागत करना, जिसे हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी. नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स, उनके होने के क्रम में घटनाओं का रिकॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिकल, इतिवृत्त. नेक्स्ट वन इज टू रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की सतह पर एक पैटर्न या डिजाइन उठाना, जिसे हम बोलते हैं एम्बॉस, उभरी नक्काशी करना. नेक्स्ट वन इज क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, न्याय करने और समझने में तेज, जिसे हम बोलते हैं परस्पिकेसियस, स्पष्ट बुद्धि वाला, वाइज. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड, ऐसे प्रश्न या ऐसी समस्या जिसका उत्तर देना या समझना कठिन हो, उसे हम बोलते हैं पजल, रिडल, इनिग्मा, पहेली, उलझन, समस्या. नेक्स्ट वन इज पुट अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह के नीचे रखना, जिसे हम बोलते हैं सबमर्ज, डुबाना. नेक्स्ट वन इज टू पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम, भविष्य के समय के लिए स्थगित करना, जिसे हम बोलते हैं पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट, टालना, विलंब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, प्लीज पुट योर डाउट और क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.